हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके प्रिंसिपल एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर टेंथ जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और इंडियन लैंग्वेज जुड़ी हर लेटेस्ट सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लें और टेंथ जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो हम इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आप ट्विटर पर ही फॉलो कर लें, इनके अलावा मेरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर एम कुमार, जिन पर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, आप चाहो तो उन्हें विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लेकर आया दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता दोस्तों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए इंडियन रेलवे ने दोस्तों कई सारे रूट पर अलग अलग वन वे स्पेशल ट्रेन, वन ट्रिप स्पेशल ट्रेन चला रही है। उसी तरह दोस्तों समर स्पेशल ट्रेनें भी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि समर स्पेशल ट्रेनें भी की भी दोस्तों घोषणा की गई है अलग अलग रूटों पर। तो आज भी मैं दोस्तों अलग अलग रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनों की दोस्तों घोषणा की गए उनकी लिस्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ ही बताने वाला हूँ। उसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना काल में जो एसी कोचेस थी उसमें दोस्तों पेट्रोल की सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेनों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है और कुछ में होने वाली है, तो उनके भी कौन सी ट्रेन में होने वाली है उनकी भी अपडेट मैं बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जयनगर से हावड़ा के बीच चलने वाली, जिसे हम धुरियान पैसेंजर के नाम से जानते थे दोस्तों, वो भी दोस्तों कोरोना काल में बंद थी, तो अब दोस्तों वो चलने वाली है और वो दोस्तों अब एक्सप्रेस के रूप में चलेगी, जो कि साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। तो उसको कौन से दिन चलाया जाएगा, वो क्या कुछ है अपडेट, वो मैं सारी चीज़ें आपको, सारी लिस्ट क्या कुछ अपडेट, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक एक करके उन सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए, जो कि समर स्पेशल ट्रेनों के लिए, जो कि अलग अलग डेटों पर चलाई जानी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो LTT से बलिया के बीच चलेगी विशेष ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो 010-25 और 010-26 LTT बलिया विशेष 1 अप्रैल से 29 जून तक अस्थायी रूप से चलाई जाएगी। दोस्तों 1 अप्रैल से 29 जून से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से और बलिया के बीच चलेगी। और दोस्तों इसकी टाइम टेबल सारी चीज़ दी गई, चलाई जाएगी 010-25 आप पढ़ लें यहाँ, विशेष सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दोपहर के 2:15 में चलकर अगली रात 9:55 बजे वाराणसी आएगी। उसी तरह दोस्तों गाड़ी संख्या 010-26 बलिया LTT विशेष का संचालन 3 अप्रैल से 1 जुलाई तक हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बलिया से शाम के 3:15 बजे होगा। यह गाड़ी शाम 6:55 बजे वाराणसी से होकर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि 2 अप्रैल से होगा बीकानेर लखनऊ स्पेशल रेल सेवा का संचालन। तो 2 अप्रैल से यहाँ देख सकते हो रेल द्वारा सुविधा के लिए बीकानेर लखनऊ स्पेशल रेल सेवा का संचालन 2 अप्रैल से किया जा रहा है। यह रेल सेवा बीकानेर से 16:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 14 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में नौखा, नागौर, मेटता रोड, डेकना, मकराना, कुचमन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बंदुकोई, भरतपुर, अचनेरा, मथुरा जंक्शन, हथरास सिटी, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, अवरगंज, कानपुर व उन्नाव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। तो ये दोस्तों 2 अप्रैल से प्रस्थान होगी। तो दोस्तों ये थी जो 2 अप्रैल को चलेगी लखनऊ और बीकानेर के बीच। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हो जयपुर पुणे, जयपुर वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 12 अप्रैल से दोस्तों शुरू होने वाली है। यहाँ देख सकते हो जो कि 12 अप्रैल से होगी। गाड़ी संख्या 010-01-014-01 पुणे जयपुर स्पेशल का संचालन 12 अप्रैल से 14 जून तक किया जाएगा। पुणे से प्रत्येक मंगलवार रात्रि 12:30 बजे रवाना होकर रात्रि 11:10 बजे जयपुर पहुंचेगी। तो दोस्तों ये उनकी टाइम टेबल भी सारी चीज़ें दी गई है, आप इनको भी दोस्तों देख ले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद और गोरखपुर के बीच 26 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। यहाँ देख सकते हो ट्रेन नंबर 025-75 1 अप्रैल से 24 जून तक शुक्रवार को हैदराबाद से प्रस्थान करेगी, और ट्रेन नंबर 025-76 3 अप्रैल से 26 जून तक रविवार को गोरखपुर से प्रस्थान करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देख सकते हो उत्तरी पूर्वी रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें मुंबई गोरखपुर और मुंबई बलिया शुरू की है। तो देख सकते हो ट्रेन नंबर 010-27 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को और 2 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी। ट्रेन नंबर 010-28 गोरखपुर से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को 4 अप्रैल से 2 जुलाई तक चलेगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 010-25 1 अप्रैल से 29 जून तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से प्रस्थान करेगी। और उसी तरह ट्रेन नंबर 010-26 3 अप्रैल से 1 जुलाई तक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बलिया से निकलेगी। उसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे ने दोस्तों 20-48-9 और 20-49-0 बाड़मेर जयपुर, बाड़मेर सुपरफास्ट सप्ताह में 5 दिन चलेगी, जो कि 29 मार्च से 20-48-9 बाड़मेर से मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रस्थान करेगी। ट्रेन नंबर 20-49-0 30 मार्च से शुरू होकर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को जयपुर से प्रस्थान करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे भी आप यहां देख सकते हो पश्चिमी रेलवे ने
पश्चिमी रेलवे बांदा टर्मिनस बाड़मेर बांद्रा के बीच एक स्पेशल ट्रेन 24 ट्रिप भी चलाएगी। यहाँ विवरण देखें, यहाँ देख सकते हो 09037 बांद्रा टर्मिनस बाड़मेर स्पेशल, जो कि दोस्तों बांद्रा टर्मिनल से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:45 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 अप्रैल से 17 जून तक चलेगी। उसी तरह बाड़मेर बांद्रा टर्मिनल स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बाड़मेर से 9:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 3:45 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 अप्रैल से 18 जून तक चलेगी। उसी तरह अब आगे देख सकते हैं 09069 सूरत हटिया स्पेशल, गुरुवार को 2:20 बजे सूरत से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6 बजे हटिया पहुंचेगी। उसी तरह 09070 हटिया सूरत स्पेशल, शुक्रवार को रात के 11:30 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी और रविवार को सुबह 4 बजे सूरत पहुंचेगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 09193 सूरत करमली स्पेशल, मंगलवार को सूरत से शाम 7:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे करमाली पहुंचेगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 09194 करमाली सूरत स्पेशल, बुधवार को दोपहर 12:30 बजे करमली से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8 बजे सूरत पहुंचेगी। और आगे भी आप यहां देख सकते हैं पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को स्पेशल किराए की घोषणा की है। इसमें देख सकते हो 09454 भावनगर बांद्रा टर्मिनस प्रत्येक गुरुवार को भावनगर से दोपहर 2:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 14 अप्रैल से 26 मई तक चलेगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 9455 बांद्रा टर्मिनस और भावनगर स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात के 11:45 बजे भावनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 15 अप्रैल से 27 मई तक चलेगी। तो दोस्तों मैं जितनी भी ट्रेनों की लिस्ट आपको बता रहा हूं उसे आप पॉज करके दोस्तों जरूर देख ले। चलिए अब बढ़ते हैं हम उन ट्रेनों को, जैसा मैंने आपको कहा धुरियान पैसेंजर जो कि दोस्तों अब हावड़ा से जयनगर के बीच दोस्तों एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। तो आप यहां देख सकते हो 2 साल बाद एक्सप्रेस बनकर चलेगी हावड़ा जयनगर पैसेंजर होगी। इस बात यहां देख सकते हो दोस्तों नीचे ये देखिए ये ट्रेन 4 अप्रैल से यह ट्रेन हावड़ा से जयनगर एक्सप्रेस हर एक सोमवार को 4 अप्रैल से और 1:30:32 डाउन जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस हर एक मंगलवार को 5 अप्रैल से चलेगी। तो दोस्तों इसके आप टाइम टेबल सारी चीज़ें देख ले। ये 4 अप्रैल से दोस्तों हावड़ा से जयनगर और फिर जयनगर से हावड़ा के लिए 5 अप्रैल से चलेगी, जो कि अब एक्सप्रेस के रूप में चलेगी वो भी सप्ताह में एक दिन। और दोस्तों तो आप जितनी ट्रेनों की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज कर सारी ट्रेनों की लिस्ट को दोस्तों देखते चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि एसी कोचेस में कोरोना काल में पेट्रोल की सुविधा बंद कर दी गई थी, तो अब कई सारी ट्रेनों में शुरू हो चुकी है और कई सारी ट्रेनों में दोस्तों आने वाले दिनों में होने वाली है। तो आप मैं आपको कुछ ट्रेनों की लिस्ट दिखाने वाला हूं जिसमें दोस्तों आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। तो आप यहां देख सकते हो दोस्तों 8 अप्रैल से इन ट्रेनों में फिर से शुरू होगी लेलन की सेवाएं। तो देख सकते हो ट्रेन नंबर 129-52 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस, उसी तरह ट्रेन नंबर 12594 हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में शुरू होगी दोस्तों 8 अप्रैल से। उसी ट्रेन नंबर 129-98 नई दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में दोस्तों 8 अप्रैल से शुरू होगी पेट्रोल की सुविधा। अब दोस्तों फिर आगे आप देख सकते हैं 7 अप्रैल से फिर इन ट्रेनों में होगी दोस्तों लीलन की सुविधा शुरू होगी। ट्रेन नंबर 129-51 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उसी तरह ट्रेन नंबर 129-53 मुंबई सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, उसी तरह ट्रेन नंबर 129-57 अहमदाबाद नई दिल्ली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये अप एंड डाउन दोनों दी गई दोस्तों कि 8 अप्रैल से दोस्तों नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस, उसी तरह निज़ामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति और नई दिल्ली अहमदाबाद में 8 अप्रैल से, उसी तरह फिर मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और फिर मुंबई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति और अहमदाबाद से नई दिल्ली स्वर्ण जयंती में दोस्तों 7 अप्रैल से पेट्रोल की सुविधा दोस्तों फिर से शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। तो आप दोस्तों वीडियो पॉज कर सारी ट्रेनों की लिस्ट देख ले जितने भी मैंने समर स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट आपको बताई दोस्तों आने वाले दिनों में चलने वाली है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा कि हावड़ा जयनगर दोस्तों जो कि पैसेंजर के रूप में चलती थी पहले, अब उसे एक्सप्रेस के रूप में कर दिया गया जो कि वीकली चलेगी अप एंड डाउन। तो उनकी भी दोस्तों आप वीडियो पॉज कर सारी चीज़ें देख ले उसकी टाइम टेबल। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रोल की सुविधा आप दोस्तों ट्रेनों में अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके सारी ट्रेनों में शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई राय इस विषय में तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंडियन रेलवे से जुड़ी अपडेट और ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।